हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मैं अकेली हो गई हूँ। क्या बताऊँ अब मैं आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में। हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी हम लोगों की, पर पता नहीं किसकी नज़र लगी हम लोगों को, जो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अलग हो गए। हमारे साथ भगवान ने बहुत बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले जाएंगे और उनके बिना जीना पड़ेगा। सब धीरे धीरे करके मुझे छोड़ के जा रहे हैं। क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, हो सके तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। और मेरे बच्चे की स्थिति भी ऐसी नहीं है, वो स्पेशल चाइल्ड में आता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करो, मेरा वीडियो शेयर करो। यही मेरी ज़िंदगी है अब, और इस ज़िंदगी को मुझे जीना है, क्योंकि मैंने इतनी तकलीफ़ें देखी और लास्ट में भी इतनी तकलीफ़ देखूँगी। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड की मौत के बाद तो शायद मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया भगवान ने कि मैं किसी को कुछ बताने के लायक भी नहीं रही। अब मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। भगवान थोड़े दिन उनको और ज़िंदगी उधार दे देता तो शायद अच्छा रहता, पर भगवान ने पता नहीं क्या लिखा मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में। हर जगह से तकलीफ तकलीफ तकलीफ। जब भगवान परीक्षा एक इंसान की लेता है तो वो हमेशा उसी की लेता रहता है और उसी को तोड़ता है। भगवान को थोड़ी बहुत भी दया नहीं आती है कि इंसान थक चुका है, आगे क्या करेगा। ऐसा दिन मैं नहीं चाहती कि कभी किसी औरत की ज़िंदगी में आए, और ना ही आए तो अच्छी बात है। बहुत बुरा किया भगवान ने, बहुत बुरा कर दिया मेरे साथ, तोड़ के रख दिया भगवान ने, हर चीज छीन ली मेरी। भगवान पहले ही सब कुछ छीन के बैठा था, तो कम से कम मेरे पति का सहारा तो मुझे दे रखा था, भगवान ने लास्ट में वो भी मुझसे छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी। हर चीज से मैं टूट चुकी हूँ। ये मेरा बच्चा अभी बिना बाप के हो चुका है, ये अभी सो रहा है, अभी जगह नहीं है, क्या करे, अभी सो रहा है, पूरी रात सोता नहीं। ये हमारे यहाँ का नज़ारा है बाहर का, मैं रेंट पे रहती हूँ, आप सबको पहले से ही पता है। और ये ऐसी हालत हो चुकी है अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, क्या करे, एक पति नहीं होता है तो सब ऐसे लोग अपने साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये मैंने किचन की सफाई करके रखी है ताकि मुझे मकान भी खाली करना है। ओके बाय।